हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेकअप वीडियो होने वाला है एक सिंपल गेट रेडी विद मी। तो पहले मैं लगा लूँगी प्राइमर और इसको मैं अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथों के मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद थोड़ी देर का गैप दूँगी। उसके बाद मैं ये जो फाउंडेशन है इसको लगा रही हूँ डॉट डॉट करके अपने फेस के ऊपर और इसको मैं इस ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ब्लेंड करने में, पर आप टाइम लीजिए और धीरे धीरे करके आप ब्लेंड कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। माय ब्लेंडिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। तो मैं वो जो सेम फाउंडेशन मेरे ब्रश पे लगा हुआ है वही मैं अपने गले के नीचे भी ड्रैग कर रही हूँ ताकि वहाँ पे भी फाउंडेशन लग जाए। और अभी मैं सब कुछ सेट कर दूँगी इस सेटिंग स्प्रे के मदद से और उसको मैं एक ब्लेंडिंग स्पंज की मदद से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। अभी ये हो चुका है, अभी मैं कर लूँगी हाइलाइटिंग और मैंने अपने अंडर आई के ऊपर और मैं लगाऊँगी अपने आईलिड के ऊपर। तो थोड़ा सा ही आपको प्रोडक्ट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना और उसको सेम जो स्पंज है उससे मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। सो माई ब्लेंडिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। अभी मैं सब कुछ सेट कर दूँगी। ये है एक ट्रांसलूसेंट पाउडर, इससे मैं आई एरिया में क्रीज नहीं पड़ेगा और जो एक्सेस पाउडर है वो मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। और अभी हम करेंगे कंटूर। सो अच्छे तरीके से नोज़ कंटूर करेंगे, चीक एरिया पे कंटूर करेंगे और जॉ लाइन पे कंटूर करेंगे। आपको देख देख के कंटूर करना है, दोनों साइड एक ही होना चाहिए और उसको मैं सेम ब्यूटी स्पंज के मेथड से ब्लेंड कर लूँगी। सो माई ब्लेंडिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। आप देख सकते हैं मेरा ब्लेंडिंग पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं जाऊँगी आई मेकअप के ऊपर। तो ये जो पहला ब्राउन शेड है इसको मैं बिल्ड करूँगी मैंने आँखों के लीड के ऊपर और आपको थोड़ा थोड़ा कलर लेना है और आपको बिल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैं बार बार कलर ले रही हूँ और अपने आँखों के ऊपर बिल्ड करते जा रही हूँ। तो मेरा ये वाला कलर तो बिल्ड हो चुका है, अभी मैं ये वाला लाइट पिंक शेड लेके इसके एजेस को स्मच कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा ब्लेंडेड लुक आए। तो ये तो ख़त्म हो चुका है, अभी मैं ये जो शिमर है पिंक कलर का इसको मैं आँखों के लीड के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके आपको उंगली के मदद से आपको लगाना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हो चुका है, अभी मैं काजल लगा लूँगी। थोड़ा सा आप अपने आँखों को ऐसे खींच के आप अगर काजल लगाएंगे तो काजल अच्छा लगेगा, या आप इस लुक में अगर आप प्रेफर करते हैं कि आप आईलाइनर लगाएंगे तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर मैंने क्या किया है, मैंने काजल लगाया है। तो काजल तो हो चुका है मेरा और अभी मैं एक ब्राउन कलर का पेंसिल लेके आँखों के वाटर लाइन के नीचे मैं लगा रही हूँ, अच्छी तरीके से एक लाइन कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये जो ब्राउन कलर है इससे मैं इसको स्मज करूँगी और थोड़ा सा बाहर की तरफ एक विंग को मैं ड्रॉ करूँगी, उससे आपकी आँखों की जो लुक होगी वो लिफ्टेड लगेगी। तो अभी मैं लगा लूँगी मस्कारा। अगर आप लोगों को पसंद है कि आप एक्स्ट्रा लैशेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, पर इस लुक में ये कंपलसरी नहीं है। तो मैंने अच्छी तरीके से लोअर लैश पे, अपर लैश पे मस्कारा लगा लिया है और अभी मैं ब्राउ को सेट कर लूँगी। तो पहले तो मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया है, उसके बाद जो गैप है मैं उसको फिल करते जाऊँगी। आपको धीरे धीरे करके फिल करना है ताकि नेचुरल लुक आए। तो अभी मैं इसको ब्रश कर लूँगी, मेरे एक आँख का ब्राउ हो चुका है, मैं दोनों ही कर लूँगी। तो अभी मैं लिप को मॉइस्चराइज़र करने के लिए मैं लिप बाम लगा लूँगी, उसके बाद मैं लगा लूँगी ब्लश। तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए और स्माइल कीजिए और आपके जो चिक एरिया है वहाँ से आप ब्लश लगा सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अगर ज़्यादा लेंगे तो नेचुरल नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए और बिल्ड कीजिए। तो अभी मैं फुल फेस को सेट करने के लिए ये वाला लूज पाउडर जो कि मेरे ही शेड में है, इसको मैं अच्छी तरीके से पूरे फेस के ऊपर मैं ब्रश की मदद से लगा लूँगी। तो मेरा तो फेस हो चुका है सेट, अभी मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। तो नोज़ पे ऊपर मैं हाइलाइट करूँगी अच्छी तरीके से, और अभी मैं चीन एरिया पे हाईलाइट करूँ चीक एरिया पे हाईलाइट करूँगी। दोनों साइड पे आपको हाईलाइट करना चाहिए। थोड़ा सा मैं अपर लिप के ऊपर हाईलाइट कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं फोरहेड के ऊपर हाईलाइट कर लूँगी। आपको अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए ताकि आपका मेकअप अच्छा लगे। और अभी मैं लिप को लाइन कर रही हूँ। आप कोई सा भी ब्राउन शेड लेके आप लिप लाइन कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया है लिप लाइन, और अभी मैं ये वाला लिपस्टिक लगा लूँगी। ये एक बहुत ही न्यूडिश ब्राउन शेड है जो कि इंडियन स्किन के टोन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट, अभी इसको सेट कर लेंगे इस फिक्सर के मदद से, और बस उसके बाद आपको जल्दी जल्दी इसको सुखा लेना है। और दिस इज़ माय फाइनल लुक। इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है ये दोनों इयररिंग पहन के, और आप देख सकते हैं मेकअप में मैंने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया है, मेकअप ऐसा ही बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को मेरा मेकअप वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट्स ऑल, लव यू गाइस, बाय बाय।